अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। सब लोग हैं जी, हमारा चपली कबाब मतलब फूड रिव्यू है। सबसे पहले तो हम आए हैं जी इधर ये चपली कबाब वालों के, हमास चपली कबाब वालों के। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप दुकान उनकी। मेरे साथ हैं जी असीफ चोकर। पिछले व्लॉग में मेरे साथ मेरे तीन बशिंदे थे, इस बार मैं दोबारा आ गया हूँ जी अपने घर। साथ है मेरा जी मेरा जिगरी दोस्त असीफ चोकर। तो हैं आके चलते हैं, आपको एक्सप्लोर करवाते हैं इनका टेस्ट, चल के खा के चलते हैं। कल लेविश प्रोग्राम चेक करने, तो अभी आते हैं। एक हमने ऑर्डर किया जी चिकन, और एक हमने ऑर्डर किया कौन सा, बीफ कबाब। चपली कबाब बेसिकली है थी उनकी, जिसे कहते हैं ना इन्वेंट, जिसने किया था वो है जी पेशावर के लोगों ने किया, पेशावर के लोगों ने किया। तो आके चेक करते हैं यार, मैंने तो बचपन में खाया हुआ था और उसके बाद मैं अब खाने लगा, तो आकर चेक करते हैं। ये आ गए हैं जी हमारे कबाब, और साथ में रोटी और साथ में रायता। रायता ये आते हैं जी, ये वाला ये है जी चिकन कबाब, ये है जी बीफ कबाब, और साथ में हमने एक ही रोटी मंगवाई है, और साथ में दो इसमें चटनियाँ दी हैं इमली की, और एक रायता दिया। तो खा कर अब चेक करते हैं कैसा प्रोग्राम है इनका। बेसिकली हमने ना खाना खा लिया आपका जी, हम निकले हैं रात के वक्त, तो खा कर चेक करते हैं पहले जी। वैसे खा कर मैं चेक करता हूँ, ये जी चिकन वाला खा लो, ये जी चिकन वाला ये खा के चेक करते हैं पहले। ये इमली की चटनी है ना, ये आलू बुखारा इमली की चटनी है जनाब, इमली की चटनी है ये, इमली की चटनी के साथ लगा के चेक करते हैं। चिकन कबाब है ये, जबरदस्त। प्रोग्राम इज ऑन, प्रोग्राम इज इन पीक, प्रोग्राम ऑन पीक ऑन फायर। ये है जी बीफ, तो ये मैंने एक बाइट लिया बगैर, ये खा के चेक करते हैं इसका चटनी के साथ कितना टेंडर है। बहुत बहुत सॉफ्ट है, मैं चेक करें चिकन और ये बीफ। अब लेते हैं जी रोटी के साथ खा के, अनपाड़ू लगाते हैं इसका। हाँ मुझे तो चिकन वाला ज़्यादा मज़े का लग रहा है, अपना एक टेस्ट। ये मैंने लगाया जी इमली की चटनी के साथ और चिकन वाला, ज़बरदस्त। ये मुझे लोकेशन बताइए जी हसीफ ने, दही की चटनी के साथ रोटी, बड़ा ज़बरदस्त। बीफ का कबाब जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन ये है कि उसका अलग लेवल है और चिकन वाले का अलग लेवल। चिकन मुझे बीफ तो बस हमने खाने दे दिया, रिव्यू देने ये खाए दही के साथ बीफ वाला। इनकी दही वाली चटनी बहुत मजे की है, ऐसे जैसे बीफ में थोड़ा सा सीरड है। एक पहले खा लिए मंगवा लिए जी एक और रोटी, क्योंकि काफ़ी मज़ा कर पा रही है इसलिए। रोटी भी यार सॉफ्ट है, मैंने आपको कहा कि आप पनीरी रोटी के साथ खाएँ, ये स्पेशली रिकमेंड मैं आपको करूँगा। अगर आप फुल दे दिया मैंने भी, और हसीफ साहब आपको कैसा लगा? मैंने पाँच दो सात साथ ही मंगाए, खाते हैं मुझसे पूछे मुझे कैसा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया यार। ये इस वक्त हम हैं जी सामने जो काउंटर, उनसे बात करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाम बताइएगा अपना, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैज़ है। अच्छा ये बताइएगा किस जगह पर है दुकान? ये सागर रोड सदर बाजार लाहौर के, लाहौर के अंदर। किस नाम से ये भी बता दें? हमार चपली कबाब से। कब से चल रहे हैं ये? कोई 23 साल हो गए। 23 साल हो गए, 23 साल माशाल्लाह। आपका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, खाकर बहुत मज़ा है, बहुत बहुत मज़ा है। आप यहाँ पर आपका चक्कर लगे लाहौर में, ख़ास तौर पर सामदा ये जो सदर बताया इन्होंने बेस्ट, वहाँ पर आप ये लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा। मज़ा कराता है यकीन करो। नाम दसना अपना,
रिजवान साहब, रिजवान साहब ने मज़ा करा दिया। और इनके ये लगाने का तरीका चेक करें जनाब, ये इन्होंने रखा हुआ मटेरियल सारा मसाले, और ये अभी लगाएंगे जनाब, ये आप देख रहे हैं, ये सही देसी तरीका, ये चेक कर लें जनाब, क्या लेविश प्रोग्राम है। दलालत प्रोग्राम अंदरून लाहौर, हम वहाँ से तो गुलाब जामुन नहीं मिले, ठीक है, ये हमारी शक्लों से और बालों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। आदि बाइक रास्ते पे मैंने चलाई है आदि, इसमें तो रफीक स्वीट हम वहाँ पर भी गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें गुलाब जामुन नहीं मिले। और ये दूसरी ब्रांच में है, मैंने आप रफीक स्वीट वालों की ये दूसरी ब्रांच ही है, तो इधर हमें मिले हैं, जाके चेक करते हैं। शरकपुर से मैंने खाए थे, शरकपुर से जो मैंने खाए थे वो हसीन साहब आपने ब्लॉग देखा होगा, वो लंबे लंबे उंगली, और ये हमने जो लिए ये देखे जी गर्मा गर्म, मैं ऐसे धुआं नहीं कर रहा चाचू ने तैयार करके दिए धुएं वाले, हाँ धुएं वाले, आके चेक करते हैं प्रोग्राम। अच्छा भला गर्म है, ये बीच में चेक कर भाई, बादाम रखा है उन्होंने बीच में भाई बादाम, ये चेक करते हैं, ये फर्स्ट फाइट काम है भाई इधर तो। और गुलाब जामुन के ये गुलाब जामुन के अंदर देखें ये बादाम है, हैं सौफ, और ऊपर से शीरा, शीरा भी मजा करवा रहा है, और ये जो बीच में इन्होंने बादाम डाला हुआ है ना, ये मैंने पहली बार देखा, बहुत ही अंत किस्म का प्रोग्राम है यहाँ पर। ये कौन सा रोड है सी? ये है जी, हम निकलते हैं उधर भी लगाते थे मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दिन टाइम लगाते थे, ये भी उनकी आज लेकिन हाँ। और दूसरा वजीरखान हमने पूछा था उसकी आगे लगाते हैं, वो भी अच्छी हैं तो, लेकिन हमें जो यहाँ पर मिले हैं वो इधर से ही मिले हैं, इनकी ब्रांच से हैं, बहुत मज़ेदार भाई, बड़े लेविश किस्म के हैं, ये चेक कर सकती हैं, शीरा जो उन्होंने डाला हुआ है वो मज़ा करवा, जो उन्होंने शीरा डाला हुआ सही में मीठा ही है, बड़ा लाइट, बड़ा सॉफ्ट सा, फ्लफी से, ऐसे जैसे यार पैनकेक्स नहीं होते वैसा। रात के टाइम हम इधर चेक कर लेंगे, कोई मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम हो रहा है, ये रात के टाइम हम सिर्फ गुलाब जामुन के खाते हैं, मैं से इस बंदे को उठा कर एक गुलाब जामुन खाने जा रहा हूँ, हाँ धुएँ वाले मजेदार यार, इतना मीठा ही यार, ये मेरे ख्याल से आप एक कार करिए आपका वो मीठे की तलब है ना वो पूरी हो जाए। जामुन खाने के बाद हम मैं आया हूँ जी इस वक्त कैफे सुकून ये, और ये है जी साथ में चाय का, लेकिन पहले हम ट्राई करेंगे जी कैफे सुकून की चाय, वो इधर चल के आपको विजिट करवाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं। तो ये आपको दो कैफे, ये
एक साथ साथ ही मिलेंगे आपको ये दो हैं अच्छे तो हैं लेकिन इसका जो सीटिंग है ना वो इसकी ज़्यादा मजबूती है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे लाइटिंग हुई है। हमने वो है ये दो बुर्गली चाय तो वो आती हैं सर मैंने इधर आते हैं देख सकते हैं जितने भी हैं यंग मैन सारी हाँ जिन्होंने समझाया तो जिम मारने के लिए सूटा सूटा लगाना होना हो रात को इधर आते हैं और ख़ासतौर पर सर्दियों में तो आपको पता है ज़्यादा चाय का ट्रेंड होता है तो समझ में बस पिंडी बोल्स। ये देख सकते हैं जी चाय हमारी अभी है साथ में उसने दिया अलहदा से गुड़ समझ रहा था जनाब अंदर डाल के देगा गुड़ लेकिन उसने अलहदा दिया जैसा कि मैंने ट्राई करो ये अलग की आधी कटोरी हमने आया कर दी ये चाय का स्पीकर अब इसका भी प्रोग्राम चेक करते हैं कैसे है जिसका यार वाकई लेविश प्रोग्राम फुल प्रोग्राम ऑन पीक स्पेशली रिकमेंड करते हैं ये लाजमी है जब भी आप यहाँ से गुजर हो एक मौरिया पुल वाली साइड से खास तौर पर रात के वक्त और जब बारिश हुई हो बारिश ना भी हुई हो ठंड होना ज़्यादा तो आपने लाजमी यहाँ से ट्राई करनी है और गुड़ वाली चाय गड़न चाय नहीं गुड़ वाली चाय मज़ेदार मज़ा करवा दिया यहाँ चाय देखें ख़ास तौर पर मुंडे खुंडों के लिए तो यार ज़बरदस्त प्रोग्राम है यहाँ और बहुत ही मज़ा यार मुझे तो है आज के बहुत मज़ा मुझे बहुत मज़ा आया आप बता दें कैसा साथ हो कैसा जनाब आप तो ऐसे जैसे नखरे कर रहे हैं जैसे कि लड़की करती है शादी से पहले शादी के फौरन बाद मज़ा करवा दिया यार मज़ा आया आपको जनाब आज के लोग आइए आपको खत्म आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें आप शेयर करें दुआओं में याद रखें अल्लाह।